मसालेदार ब्लैक चने। मसालेदार ब्लैक चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया और उसमें जीरा डाला और चॉप की हुई प्याज डाल दी। 2 से 3 मिनट तक मैंने चॉप की हुई प्याज डाल दी और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 अदर टमाटर डाल देंगे, इनको भी मैंने मशीन में पीस लिया है। पेस्ट बना दिया इसका। थोड़ी देर पकाएंगे इसको। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 चम्मच हरी मिर्चें, ठीक है, उनको मैंने चॉप कर दिया था, ये शामिल करेंगे। से 3 मिनट इसको पकाएंगे। 2 मिनट अदरक लहसुन और हरी मिर्चों में पकाने के बाद अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम लोग धनिया पाउडर का डालेंगे इसमें, क्रश किया हुआ साबुत धनिया डालेंगे इसमें, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हसबे जायका नमक और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं जले ना। दो मिनट जो है इसी पानी में इसको भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जो भी बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, देखिए, ठीक है। अब हम इसमें ये मैंने ब्लैक चने जो है ओवरनाइट के लिए इनको भिगो के रख दिया था और सुबह इनको बॉयल किया है, देखें बॉयल होके बिल्कुल ये ऐसे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक चने, 1/2 किलो मैंने लिए थे, इसमें शामिल करेंगे और जो है ऐसे चने की मदद से इसको बनाएंगे। बहुत ही लजीज चने बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मसालेदार चने। और इसमें सारे जो है ना हमारे मसाले हैं, टमाटर प्याज हरी मिर्ची ये सारा कुछ पीस के डालते हैं। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे ऐसे ही चम्मच से चलाते रहेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। 2 से 3 मिनट में ये भून चुका है, मैंने मुसलसल चम्मच चलाया है इसमें, आप भी मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। और हम इसमें पानी शामिल करेंगे, पानी आपको जितनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि चने तो हमारे गले हुए हैं, आप जितना शुगर चाहें आप डाल सकते हैं इसमें पानी, या आप भुने हुए पसंद करते हैं तो आप भुने हुए अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन शोरबे वाले जो हैं ज़्यादा अच्छे बनते हैं भुने हुए के। पानी डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको 10 मिनट दब पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने जो है ढक्कन हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो है मसालेदार चने तैयार हो चुके हैं। लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन ले लिए थे और उनका जूस निकाल दिया था, ये डालेंगे, मिक्स करते हैं। और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर डाल देंगे,
थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हमारे जो है मसालेदार काले चने जो हैं तैयार हो चुके हैं। आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।